अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ सरकार। गाइस, आज हम जानेंगे एमएस वर्ल्ड में फुटनोट और एंडनोट के बारे में, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये हम सब सीखेंगे। फुटनोट और एंडनोट बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में, तो फुटनोट में हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन एंडनोट में हम एक पैराग्राफ की शक्ल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी नोट लिख सकते हैं। मज़ीद आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। सो कैसे ऐड करते हैं ये हम जानते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये टेक्स्ट मैं यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ आइंस्टाइन, और सिंपल क्लिक कर दूँगा फुट नोट के ऊपर। सो ये मैंने क्लिक किया, पेज के बटन पे देखें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ ही वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है। सो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक फुट नोट। अब यहाँ पे वन लिखा हुआ है साथ में, और इसी तरह का वन जो है इस आइंस्टाइन वर्ल्ड के ऊपर लिखा होगा। जैसे ये लफ्ज फिलॉसफी है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और एक फुट नोट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अपना नाम ही टाइप कर देता हूँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाहते हों किसी मखसूस टेक्स्ट के बारे में, या फिर कोई हिस्ट्री लिखना चाहते हों, या फिर मज़ीद उसके बारे में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई नोट वगैरह, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये काम है फुट नोट का, ठीक है जी। और आप जानेंगे कि एंड नोट कैसे ऐड करते हैं। बिल्कुल सेम यही तरीका, जैसे मैं इस सर्विस को यानी जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपल एंड नोट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। कमांड्स भी आप साथ में देख सकते हैं, अगर आप होवर करें कर्सर को, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे सेक्शन के इस हिस्से के अंदर ये क्या करेगा, एंडनोट को लगा देगा, ठीक है जी। आप कुछ ज़ायद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एंडनोट के अंदर, बस यही इसका काम है। दोनों का सेम तरीका है ऐड करने का, आपने सिंपल क्लिक करना है यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ऐड कर देना है टेक्स्ट को, ठीक है जी। कुछ भी ऐसा आप टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस वर्ल्ड आइंस्टाइन के ऊपर आकर माउस को होवर करूँ, तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे मैंने एक फुट नोट ऐड किया है, यहाँ पे वन यहाँ पे शो कर रहा है। और मज़ीद गाइस, अगर आप एरिया देखना चाहते हैं फुट नोट का या फिर एंड नोट का, इसके ऊपर यूँ क्लिक करें तो ये पूछेगा क्या देखना चाहते हैं, यानी कौन सा एरिया देखना चाहते हैं, फुट नोट का या फिर एंड नोट का। सो मैं पहले फुट नोट का देखना चाहता हूँ, जो कि ज़ाहिर सी बात है पेज के नीचे मिल जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे एंड नोट का भी देख सकते हैं, और ये जो बटन दिया गया है नेक्स्ट फुट नोट या फिर नेक्स्ट एंड नोट, और इसी तरह आप प्रीवियस एंड नोट और फुट नोट को देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एक यहाँ पे और मिल जाता है बटन, इसके ऊपर यूँ क्लिक करें तो यहाँ पे लोकेशन के हवाले से पूछेगा, यानी आप फुट नोट को कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, बिलो द टैक्स या फिर पेट द बटन, इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह आप एंड नोट के हवाले से भी लोकेशन दे सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के एंड पे हो या फिर सेक्शन के एंड पे हो। इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फुट नोट को एंड नोट के अंदर और एंड नोट को कन्वर्ट कर सकते हैं फुट नोट में। और इसके नीचे मिल जाता है जी फुट नोट लेआउट, मैच द सेक्शन लेआउट या फिर कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जैसे ये गिनती रूमी है, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 भी रख सकते हैं। ये एंड नोट के हवाले से है, आप इसी तरह फुट नोट के हवाले से भी चेंज कर सकते हैं। कोई ख़ास निशान लेकर आना चाहते हैं इसमें, यानी मार्क कोई सिंबल वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगी। उसके बाद अप्लाई कर दूँगा तो वेल ये देखें, चलें पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ऐड करके दिखाता हूँ आपको ये सिंबल। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सिंबल चूज़ कर लेते हैं, जैसे इसमेंशन किया, ओके किया, उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो वेल ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। मज़ीद गाइस, आप स्टार्ट करना चाहते हैं गिनती को कहाँ से, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग के अंदर आकर देख सकते हैं कि कंटिन्यूस यानी जारी रहेगा आपका जो ये फुट नोट है या फिर एंड नोट है, उसकी गिनती हर बार जो है ना 1, 2, 3 से नहीं शुरू होगी, बल्कि जैसे जैसे पेजेस बढ़ाते जाएंगे या फिर जैसे जैसे आप फुट नोट ऐड करते जाएंगे, गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट रहेगी
और उसके बाद जैसे पेज नंबर 2 है 3 है और उसमें 1 से स्टार्ट नहीं होगी। सो यहाँ पे कंटिन्यू के बजाय आप हर सेक्शन से रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर हर पेज पे रिस्टार्ट कर सकते हैं, यानी हर पेज से 1 से ही स्टार्ट होगी जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है। सो इसके अलावा कहाँ पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं पूरी डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई और बस ये हो गया। सो गाइस ये थी क्विक वीडियो एंड नोट और फुट नोट के बारे में। ये मैं आपको इनडिज़ाइन में भी पढ़ा चुका हूँ और मज़ीद इस तरह के जो सॉफ्टवेयर आएंगे उनमें भी आपको ये करवाता ही जाऊँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।